दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्यावशिका में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी की नदियों के बारे में। ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और इस वीडियो के दोस्तों मैंने दो पार्ट बनाए हुए हैं। जिस पहले पार्ट में हम यूपी की नदियाँ कहाँ से प्रवेश कर रही हैं, उनमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिल रही हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यूपी का उत्तरी ज़िला सहारनपुर है और उससे यमुना नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी सहारनपुर से निकलती है और सहारनपुर से ही एक और नदी निकलती है दोस्तों, हिड्डन नदी। ठीक है, यमुना नदी भी सहारनपुर से निकलती है और हिड्डन नदी भी सहारनपुर से निकलती है। और हिड्डन नदी जो आपकी गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ पर हिड्डन नदी यमुना नदी पे मिल जाती है। और ये यमुना नदी आगे चल के प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, बिजनौर जो ज़िला है वहाँ से आपकी गंगा नदी प्रवेश करती है और रामगंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, और रामगंगा भी बिजनौर से प्रवेश करती है। और रामगंगा जो है वो गंगा नदी में हरदोई ज़िले पर मिल जाती है आके। और ये गोमती नदी है, गोमती नदी पीलीभीत ज़िले के फुल्लर झील से निकलती है। ये शारदा नदी, फिर घाघरा नदी, राप्ती नदी, ये सारी नदियाँ उत्तरी भाग से मिलती हैं, न्याती हैं, प्रवेश करती हैं ये यूपी में। और गंडक नदी भी। ठीक है, अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भाग से कौन कौन सी नदियाँ यूपी में प्रवेश करती है। प्रायद्वीपीय भाग से चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भाग से, सोन नदी, ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भाग से यूपी में प्रवेश करती हैं। तो ये चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी जो है दोस्तों वो इटावा ज़िले में यमुना नदी में मिल जाती है। और बेतवा जो नदी है वो हमीरपुर में, इटावा हमीरपुर में यमुना नदी पे मिल जाती है। केन बांदा में यमुना नदी पे मिल जाती है। तो इस प्रकार ये सारी जो है यमुना की सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तभी आपको इस वीडियो की जो सेकेंड पार्ट है उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा और जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल है। बस दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।